मुरादाबाद के थाना मोंडा पांडे क्षेत्र में शाम के समय अज्ञात तमंचेधारी बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर ज्वेलर्स को दुकान में घुसकर गोली मार दी। गोली दो लोगों को लगी है, जबकि हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को घेर कर मौके से पकड़ लिया गया है। दो बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं। दिन दहाड़े लूट की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और घायल ज्वेलर्स को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के बाद मामले की जांच में जुट गए हैं। मुंडा पांडे इलाके स्थित हाईवे किनारे के मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब हथियारबंद बदमाशों ने वर्मा ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। उनकी दुकान लूटने आए बदमाशों से ज्वेलर्स भिड़ गए। अपने आप को घिरता देख एक तमंचाधारी बदमाश ने दुकान स्वामी सुमित वर्मा पर फायर कर दिया, जिससे वो घायल होकर गिर गए। लेकिन इसी बीच ज्वेलर्स के साथ मौजूद कर्मचारी ने बदमाशों को ललकारते हुए डंडे से वार कर दिया, जिसमें एक बदमाश मौके पर ही पकड़ा गया, जबकि बाहर खड़े बदमाश मौके से फरार हो गए। इस लूट की घटना के दौरान दुकान स्वामी और एक कर्मचारी को गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लूट की सूचना पर SPCTB फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। SPCTB का कहना है कि जल्द ही अन्य बदमाश पकड़ लिए जाएंगे। सर, मेरा नाम है, मैं और सुमित भाई यहाँ पर अंदर बैठे थे, तभी एक बाहर से आया तमंचा लेकर, उनने तमंचा तान लिया सीने पर भैया के, ठीक है, और कह रहा था लोकर खोलो और सामान दो अपना। तभी भैया ने गन पकड़ के छीना छप्पी हुई थी इधर, मैं गन छीनने के लिए उठा, एक दूसरा बाहर से आया, उसने मेरे को गोली चलाई, मैं बच गया। फिर दोबारा उठा मैं बचाने के लिए, फिर उन्होंने गोली चलाई, फिर मैंने डंडा उठाया लोहे का और उसके मारा, वो बाहर भाग गया गन के हफड़ा दफड़ी में। फिर इधर जो पकड़ा था भैया ने, उससे मैंने गन छीन के उस पर गन तान के उसे बाहर भगाया, फिर वो अंदर आया था, मेरे को गोली लगा था, फिर उसने मेरे हाथ पे गोली चलाई, मेरे हाथ पे छुरी गोली निकल गई, मैं बच गया। फिर वो बाहर चले गए, मैं यहाँ से सड़क गिराने लगा और वो बाहर चले गए। फिर बाहर से दिख भी आया, उसने पीछे से पकड़ लिया उसे, उससे गन छीनी, बाहर वाला तो भाग गया लेकिन अंदर वाले जो था, हमने सड़क गिरा लिया, उसे अंदर ही पकड़ लिया। गोली कैसे लगी, किसके लगी गोली? गोली सुमित भैया के लगी थी, जब दोनों छीना छपटी हो रही थी गन की, तब गोली लगी थी। कहाँ पर लगी गोली उनके? जी कहाँ पर लगी है गोली? यहाँ पर लगी, सीना। आपके भी लगी है? मेरे हाथ पर छू गई है। अच्छा, एक बदमाश को आपने पकड़ लिया यहाँ हॉस्पिटल गया, पुलिस आ गई। अच्छा, बदमाश को कहाँ भेज दिया? बदमाश को हॉस्पिटल चला गया एम्बुलेंस। किस नाम से दुकान है? दुकान वर्मा ज्वेलर्स नाम से। ये यहाँ सुमित वर्मा जी है, जिनकी दुकान है ज्वेलर्स की, वर्मा ज्वेलर्स करके दुकान पर थे आज शाम के समय, तो यहाँ दो बदमाश आए और इनके यहाँ लूट का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने उनका विरोध किया, जिसमें से एक बदमाश के ऊपर इन्होंने रॉड से प्रहार किया, जिसके सिर पर चोट लगी, मौके पर पकड़ा गया है और उन्होंने बदमाशों ने फायर किया जो उनके कंधे पर लगा है। इंजर्ड है वो, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और जो बदमाश है उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं, उसको भी इलाज के लिए यहाँ से रवाना किया गया है। और इसका एक साथी था जो यहाँ से दौरान भाग गया है, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर, कितने लोग थे लगभग, कुछ पता है? दो लोग थे जो यहाँ पर आए थे, जिसमें से एक बदमाश के मौके पर पकड़ा गया। सर, कौन सी दुकान थी जो जहाँ पर इन्होंने ये लूटपाट की कोशिश की? जैसा मैंने बताया अभी, वर्मा ज्वेलर्स। अच्छा, क्या सर, कोई ज्वेलर्स यहाँ से लूट के ले गए हैं कोई बदमाश? नहीं, कोई सामान नहीं ले गए, एक बदमाश उसका इंजर्ड हुआ। ठीक है सर, ठीक है।